तू ही यार, आज तो मैं सुबह सुबह उठ के रेडी हो चुका हूँ। फ्रेंकी भैया को भी ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गए हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ गए हैं। चलो ऊपर जाके देखना पड़ेगा। वैसे तो यार खाना पीना आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, चलो चलो देखता हूँ। और यार गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। और यार पानी तो देखो कितना ज़्यादा साफ है, लेकिन आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और चोप कहाँ है? चोप चोप गाइस, लगता है चोप यहाँ पे नहीं है, क्योंकि चोप होता तो पक्का ही मेरे को बोलता। हमेशा डेली डेली वो कहीं ना कहीं चली जाता है यार, इसको अब इलाज करना पड़ेगा। अरे चोप तो सही में नहीं है यार, मुझे लगा चोप होगा, मुझे तो लगा वो बोल नहीं रहा मेरे से, पता नहीं कहाँ चले जाता है। फ्रेंकी भैया, फ्रेंकी भैया, यार फ्रेंकी भैया अभी मेरी बात नहीं सुन रहे, चलो ऊपर जाके देखना पड़ेगा। और यार आज बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, तो चलो एक बार देखता हूँ किचन में क्या क्या खाने के लिए है। अरे यार फ्रेंकी भैया को तो पहले ढूंढ लूँ, तभी तो साथ में खाना खाएंगे ना हम दोनों। फ्रेंकी भैया, फ्रेंकी भैया पता नहीं कहाँ पे है, समझ ही नहीं आ रहा है। और चौप भी घर पे नहीं है, अंदर भी यहाँ भी नहीं दिख रहे यार, क्या करूँ पता नहीं। अरे फ्रेंकी भैया कहाँ है? फ्रेंकी भैया, फ्रेंकी भैया यार पता नहीं। अच्छा वो अरे फ्रेंकी भैया, फ्रेंकी भैया, अरे लग रहा है इनके पास आवाज़ नहीं जा रही है, फ्रेंकी भैया को बोलना पड़ेगा। अरे फ्रेंकी भैया यार सुनो, एक बात बोलना था मेरे को यार, खाना खाने चलते हैं दोनों। अरे यार क्या हो गया, तो अभी तो मैं उठाई हूँ, अभी खाना नहीं खाऊंगा मैं इतना जल्दी यार। अरे यार मेरे को तो भूख लग रही है ना, तो चलो ना फ्रेंकी भैया। अरे वैसे एक बात बताना, भूल गया, सारा राशन खत्म हो गया घर का सारा राशन। अरे यार तो चलो ना फिर लेने चलते हैं, क्यों लेट कर रहे हो? अरे यार ये देख ना कितना मस्त शहर लग रहा है यार, इतना हम कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, और यहाँ से पूरा शहर कितना अच्छा लग रहा है। अरे वो बात तो सही कह रहे हो, लेकिन यार खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो इसलिए राशन ले लो ना फ्रेंकी भैया जल्दी। अरे ठीक है यार, एक बगल में सुपर मार्केट है, वहीं चलते हैं, वहीं से सारा सामान ले आएंगे। तो ठीक है फ्रेंकी भैया जल्दी जल्दी बाहर चलो। वैसे भैया चौप कहाँ चले जाता है सुबह सुबह? अरे पता नहीं यार, चौप पे कुछ आवारा कुत्ते दोस्त बन गए हैं उसके, वो पता नहीं आता है चला जाता है यार, हमारे ही ऐसा ही है चौप। अरे गाइस यार आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपके पास डॉगी है कि नहीं, यस और नो अगर है तो उसका नाम जरूर बताना। वैसे फ्रेंकी भैया अगर हम दोनों बाहर चले गए तो घर का ध्यान कौन रखेगा? अरे यार मैंने घर के सारे दरवाजे लॉक कर दिए, बस मेन डोर को लॉक नहीं करेंगे, चौप आएगा अपना बाहर ही घूमता रहेगा। अरे ये बात तो सही बोला। वैसे फ्रेंकी भैया ये गाड़ी कब लेके आया? अरे गाड़ी मेरे दोस्त की है भाई, ये पता नहीं इतनी मस्त गाड़ी लग रही थी, मैंने बोला उसको कि यार एक काम कर, तू मेरी गाड़ी रख ले और मैं तेरी गाड़ी रख लेता हूँ। अरे बहुत बढ़िया गाड़ी है फ्रेंकी भैया, इस गाड़ी को मैं चलाऊंगा आज प्लीज यार। अरे नहीं यार तू छोक देगा यार। अरे यार आज तो लोग भी नहीं है, प्लीज यार मेरे को दे दो ना। अरे चल ठीक है तू चला ले, लेकिन देख आराम आराम से चलाइयो ठीक है, लेकिन यार तेरी हाइट भी नहीं है इतनी बड़ी। अरे फ्रेंकी भैया ये बात तो ध्यान देखो कि मेरे शर्ट का कलर और यार गाड़ी का कलर सेम ही तो है। अरे नहीं 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 भाई, थोड़ा अंतर है लेकिन है थोड़ा थोड़ा सेम ही कह सकते हैं। अरे ठीक है फ्रेंकी भैया। वैसे फ्रेंकी भैया एक बात बताओ कि रास्ता कहाँ से जाना है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अरे बस यहाँ से तो नीचे की तरफ चलना है यार, बगल में ही है भाई, मैं बताऊंगा तेरे को रास्ता, तू चल तो। अरे फ्रेंकी भैया ये गाड़ी तो बहुत ज्यादा मस्त चल रही है, अरे अरे बच गया यार। यार सिंचन देख तू क्या कर रहा है यार, आराम से चला वरना फिर मैं तेरे को दूंगा नहीं अगली बार। अरे यार सॉरी सॉरी, मैं अच्छे से चलाऊंगा, बिल्कुल आराम से कंट्रोल करके चलाऊंगा फ्रेंकी भैया। वैसे फ्रेंकी भैया ये गाड़ी बहुत ज्यादा बेकार है यार, सही बता रहा हूँ? अभी तो अच्छा कह रहा था, अभी बेकार कहने लग गया। अरे सिर्फ दिखने में अच्छी है लेकिन चलाने में बहुत ज्यादा बेकार है, इसका हैंडल भी खराब हो रखा है। फ्रेंकी भैया, फ्रेंकी भैया आप किधर जाना है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आगे तो रोड है। अरे सिंचन यार हाँ हम जा तो सही रहे, बस अब यहाँ से याद नहीं आ रहा कहाँ जाना है। अरे इधर ही जाना सिंचन भाई, रुक 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 रुक। अच्छा सॉरी यार सॉरी सॉरी, पीछे करके जाना पड़ेगा, किधर जाना है बताते भी नहीं है यार। सीधे सीधे। अरे फ्रेंकी भैया जल्दी बताओ इधर 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 किधर जाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार इधर चलना लेफ्ट की साइड में ही। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे यार सॉरी सॉरी। अरे फ्रेंकी भैया समझ नहीं आ रहा कि सुपरमार्केट कहाँ पर है। अरे बस थोड़ा ही आगे, बस ये देख आ गया, देख दिखा। अरे हाँ फ्रेंकी भैया दिख गए मेरे को, यहाँ तो हम पहले भी आए हैं कितने बार सामान लेने। अरे बस अब तू पीछे पार्क कर गाड़ी, ठोकियो मत मेरी गाड़ी ठीक है ना, नई नई गाड़ी भाई ये। अरे हाँ ये गाड़ी आपकी नहीं मेरी भी तो है। अरे ठीक है चल आ जा फटाफट। ठीक है फ्रेंकी भैया एक बात बताओ आज हम लेंगे क्या क्या जल्दी जल्दी, यार लिस्ट तो आप लाए ही नहीं घर से। अरे सारा सामान मेरे फोन में लिखा है हमें क्या क्या लेना है। अरे सिंचन तू आगे आगे कहाँ जा रहा भाई, मेरा तो वेट कर। अच्छा हाँ फ्रेंकी भैया वेट तो कर ही रहा हूँ ना, देखो तो मैं आपकी थोड़ा सा ही तो आगे हूँ। आगे चल रहा है तू कह रहा वेट कर रहा। अच्छा यार तू जा अकेले जा रहा है जाओ। अरे नहीं फ्रेंकी भैया ऐसी बात नहीं है यार। अरे फ्रेंकी भैया मेरे को कुछ दिख रहा है। अरे यार फ्रेंकी भैया यहाँ पे तो एक गाय को छेड़ रहे हैं। अरे ये लोग गाय को तंग कर रहे हैं सिंचन। अरे इनको बचाओ यार, गाय को तो बचा लो आप। अरे गाय को तंग कर रहे हैं, अरे ये कर क्या रहे हैं भाई ये लोग, ये पता नहीं क्या भगा रहे हैं गाय को। अरे क्यों यार गाय को क्यों भगा रहे तुम लोग? अरे यार यहाँ पे तो गाय है, इसको हम भगा देंगे यहाँ से मार मार के। अरे गाय को तंग मत करो यार, ये गाय ना वैसे ये पता नहीं गाय यहाँ पे कैसे आ गई भाई। अरे भाई तुम बीच में मत बोलो, तुम यहाँ से जाओ। ए गाय तू जा यहाँ से। अरे यार तुम लोग गाय को तंग मत करो यार, जरूर सिंचन में इनको बताता हूँ यार, ये लोग गाय को तंग कर रहे हैं खामखा।
अरे फ्रैंक भैया इन लोग का इलाज कर दो यार, ये लोग देखो गाय को तंग कर रहे हैं। अब रुक जा, इनको मैं बताता हूँ कि मैं फ्रैंकलिन हूँ और इनको मैं बताता हूँ गाय को तंग करने कैसे होता है। अभी रुक, एक मुक्का पहले उसको। अरे गाय जा, ओ गाय जा यहाँ से। अभी ये ले तेरे मुंह में एक बताता हूँ, पहले तू भाई गाय को तंग मत कर ठीक है ना, वरना मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई मेरे को क्यों मारा तुमने? अरे तू गाय को तंग कर रहा है, अंकल आप भी हटो। और ये तू गाय को अभी भी तंग कर रहा है यार, अभी तू गया ये ले। अरे भाई फ्रैंक भैया और मारो इसको और मारो, ये लोग गाय को ये अभी फिर उठ गया। देखा अभी इसको मैं बताता हूँ, ये लोग गाय को बहुत तंग कर चुके हैं यार। फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैंने गाय को बचा लिया। ये अंकल वापस गए, ये गाय भी चढ़ गई भाई तुम्हारे ऊपर तो यार। वाह वाह फ्रैंक भैया, ये गाय तो बहुत समझदार है और आप भी समझदार हो, इसको मारो मारो। वाह 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 फ्रैंक भैया, चलो यार अब ठीक है यार, इसको यार बचा ले। थैंक यू यार आपने मुझे बचा लिया, मेरे को इन लोग तंग कर रही थी बहुत देर से। अरे कोई बात नहीं गाय, तू हमारे साथ ही आ जा। और फ्रैंक भैया इसको कहाँ पे लेके जाए हम लोग? मुझे यार मुझे पता नहीं, मैं अपना घर का रास्ता भूल गई हूँ, अब पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें को जानता हूँ यार, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे घर के पीछे गाय का ना गौशाला है, वहाँ पे ना वो गाय वाला रहता है और तुम मेरे हिसाब से उसी झुंड से आई होगी। अरे फ्रैंकी भैया लेकिन ये तो गाड़ी में नहीं बैठ सकती, तो अब क्या करें जल्दी जल्दी बताओ। एक काम करता हूँ फटाक से ना, मैं गाड़ी चला के जाता हूँ और तू ना इसको लेके आ आराम आराम से ठीक है ना। अरे ठीक है फ्रैंकी भैया। तो फ्रैंकी भैया एक बात तो बताओ, इस गाड़ी गाय का कुछ नाम भी रख दे क्या? अरे नहीं नहीं भाई, मैं पहले जा रहा हूँ, फिर तू अपने रास्ते में इसका नाम रखता रही हो, इसका नाम कुछ होगा तू इससे पूछ लियो ठीक है, मैं जा रहा हूँ फटाक से। अरे फ्रैंकी भैया ऐसा करो, गाय को आप लेके आना और मैं कार से चले जाता हूँ। अरे नहीं ऐसे नहीं चलना, तू गाड़ी ठोक देगा यार, तू ऐसे भी अकेले जाने लायक है नहीं यार। तो फिर ठीक है यार, आप जल्दी जल्दी घर जाओ और मैं गाय को लेके आता हूँ पीछे से। आराम आराम से, गाय को तंग मत करियो ठीक है ना। भैया मैं इसको तंग नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है यार मैं फटाक से घर जा रहा हूँ ठीक है। अरे गाय आ जा यार, तू हमारे साथ ही आ जा जल्दी जल्दी। अरे रुको सिंचन, मेरे को आराम आराम से चलने की आदत है, मैं नहीं भाग सकती। अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, चलो चलो आराम से चलो, मैं थोड़ा मैं मतलब आगे आगे चलता हूँ, तुम पीछे पीछे आओ। रुको यार मैं भी थोड़ा सा भाग के आती हूँ। अरे बाबा तुम तो भाग लेती हो बाबा। अरे हाँ मैं भागती हूँ थोड़ा थोड़ा, मुझे आदत है। अच्छा कोई बात नहीं यार, गाय ये तो बताओ कि तुम्हें अलग कैसे हो गई अपने झुंड से? अगर आज फ्रैंकी भैया नहीं होती तुम आज बच नहीं पाती, क्योंकि वो लोग तुम्हें बहुत ज्यादा तंग कर दे। अरे हाँ यार फ्रैंकी भैया ने मुझे बचा लिया, सही बात, तुम जल्दी आ गए मेरे पास। अरे तो सबको बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि फ्रैंकी भैया ने आज तुमको बचा लिया ना इसीलिए। अरे फ्रैंकी भैया ने मुझे बचा लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और यार कहो भी लिख दो फटाक से कमेंट में। अब तो यार मैं लगभग घर पहुंच चुका हूं यार, अब यहां पे गाड़ी फटाक से खड़ी करता हूं। यार सिंचन भी लगभग आता ही होगा, वो भी आधा रास्ता तो उसने कवर कर लिया होगा, लेकिन यार फटाक से मुझे अंदर जाना पड़ेगा। यार चौप भी शायद अभी तक आया नहीं, क्योंकि चौप मेरी गाड़ी की आवाज़ सुनता ना, इतने में आ जाता यार। चौप सही में नहीं आया यार, चौप यार चौप। अरे कहो कहो हमारे घर पास में, जल्दी जल्दी आ जाओ। कहाँ पे है, मुझे कोई घर नहीं दिख रहा आसपास में। अरे ये जो घर दिख रहा है वो मेरा ही घर है, वो देखो ऊपर थोड़ा सा दिख नहीं रहा, वही मेरा घर है। अच्छा यार यहाँ पे तो घास भी है, थोड़ा खा लूँ क्या? अरे नहीं नहीं यहाँ पे कुछ भी मत खाओ, मैं तुम्हें घर पे खिला। अरे रोड में क्यों जा रही हो गाय, रोड में मत जाओ। अरे ठीक है ऐसे, यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं चल रही है सिंचन। अरे कोई भी आके तुम्हें ठोक देगा और चली भी जाएगा, रुकेगा भी नहीं। चलो ठीक है यार मैं आ रही हूँ, लेकिन यार थोड़ा धीरे तो चलो, तुम भाग कितना रहे हो सिंचन। अरे अब हमारा घर पास में ही है, अब भाग के आ जाओ, कोई बात नहीं। अब फ्रैंक भैया भी पहुँच गए होंगे, और पता नहीं मेरे साथ एक कुत्ता है, वो तुम पे भौंकेगा तो नहीं, देखता हूँ क्या करेगा। उसका नाम कुत्ता है क्या सिंचन? अरे नहीं नहीं मतलब वो उसका नाम चौप है, लेकिन तुम्हें तो नहीं पता है ना उसका नाम चौप है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अरे हाँ हाँ मैं नहीं जानती थी सॉरी। ये आ तो गए फ्रैंकलिन भैया, उनकी गाड़ी तो यहाँ खड़ी है ना ये। अरे फ्रैंक भैया जल्दी जल्दी में आए ना, इसीलिए उन्होंने गाड़ी बाहर खड़ी कर रखी है, क्योंकि हमारे घर में गैराज भी तो है ना। फ्रैंक भैया हम लोग आ गए हैं, गाय आ जाओ चल जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं। अब कहाँ जाना है नीचे, कहाँ पे? अरे ये घर बहुत बड़ा है, नीचे आ जाओ तुम, क्यों स्विमिंग पूल भी है, पानी वानी तुम कुछ भी खाना पीना खा लेना, आ जाओ नीचे। अरे थोड़ा वेट तो करो। अरे फ्रैंकी भैया अरे आगे सिंचन, तो वो गाय नहीं आई? अरे वो भी आ रही है यार, थोड़ा सा धीरे चलती है ना। अरे मैं आ गई फ्रैंकलिन, थैंक यू तुम्हें अपने घर में बुलाने के लिए मेरे को। अरे कोई बात नहीं गाय आ जाओ यार, यहाँ पे हमारा चौप भी रहता है, यहीं पे आ जाओ, छाया में आ जाओ यार, धूप कुछ ज्यादा ही है। यहाँ पे तुम्हारा कुत्ता रहता है क्या? हाँ देखो यार पता नहीं, इतने सारा खाना बिखरा रखा है और सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ गया है। अरे कोई बात नहीं गाय, तुम यहीं पे इंतजार करो, और फ्रैंकी भैया अब इसका करना क्या है? अरे मैं यही रहूंगी थोड़ी सी, और फिर मैं थोड़ी देर बाद मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं यार अभी तुम रहो, कोई बात नहीं, अभी आराम करो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं भी आराम से आ जा यार सिंचन, तुमको तंग मत कर ठीक है ना। अरे नहीं यार मैं इसको तंग क्यों करूँगा, गाय तो मेरी बहुत बढ़िया दोस्त है। अरे हाँ तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो सिंचन। अच्छा यार फटाफट से मेरे को कुछ पानी वानी पीती हूँ, जब तक तुम जाओ यार मेरे को आराम करने दो सिंचन। अरे ठीक है कहो, तुम आराम करो और मैं फ्रैंकी भैया के पास जाता हूँ, कहो यहीं पे रहना और पानी वानी पी लो, और तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना।
ठीक है सिंचन यार, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। अरे यार वो तो मैं शुरू से ही हूँ। फ्रेंकी भैया एक बात तो बोलो। अरे क्या हुआ, जल्दी आ इधर यार, मेरे को तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही ढंग से। तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज हमने गाय को बचा लिया। चलो यार सिंचन और फ्रैंकलिन ने तो मेरे को गुंडों से बचा लिया, वो लोग मुझे तंग कर रहे थे गंदे बच्चे, लेकिन यार ये लोग कितने अच्छे हैं। एक काम करती हूँ, पहले तो थोड़ा पानी पी लेती हूँ। नहीं यार ये पानी से पता नहीं झाग सा निकल रहा, नहीं पीऊँगी। एक काम करती हूँ, फटाक से ना मैं जाके ना सिंचन से बोलती हूँ कि ना मुझे ना मेरे घर पहुँचवा दो, मेरे दोस्त लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि यार वो लोग मेरे को ना गलती से छोड़ के चले गए। मेरी दोस्त लोग मेरा इंतज़ार करती होगी कि मैं कहाँ गई हूँ, लेकिन मुझे तो कोई ढूंढने भी नहीं आया। आज उस ग्वाले को मैं मारूंगी, मेरा दूध बेचता है लेकिन मुझे उसने ढूंढने भी नहीं आया। सिंचन मेरी बात तो सुनो सिंचन। अरे क्या हुआ क्या हुआ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देती, ऊपर क्यों आ गई? नहीं मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, मेरी को हेल्प करो ना। अरे बोलो बोलो क्या हेल्प चाहिए, मैं तो सारी हेल्प कर दूंगा। मेरी हेल्प ये करो कि मुझे मेरे घर पहुंचवा दो, मेरे फ्रेंड्स के पास, जो मेरी बहुत सारी गाय दोस्त है ना उनके पास पहुंचवा दो ना। अरे यार ये सब का तो मुझे नहीं पता, चाहे तो मैं पहुंचवा दूंगा, लेकिन आप फ्रैंकलिन भैया से पूछ लो कि कहाँ पे है उसका तुम्हारा घर। अरे रुको यार, मुझे पता है तुम छोटे बच्चे हो, तुम छोटे बच्चे क्या ही कर सकते हो, मेरे को फ्रैंकलिन को जाकर बोलना पड़ेगा। फ्रैंकलिन सुनो ना। अरे हाँ बोल, क्या हो गया तेरे को? अरे मुझे मेरे ग्रुप के पास पहुँचवा दो जहाँ मेरी फ्रेंड्स रहती हैं। अरे हाँ ठीक है मैं पहुँचवा तो दूंगा, लेकिन एक दिक्कत है यार, तुम मेरी गाड़ी में बैठे हो क्या? अरे ठीक है यार, मेरे एक मैं गाड़ी मांग के लाता हूँ जिसमें तुम पीछे खड़े हो जाना, और फिर मैं हम दोनों मिलके ना, हम तीनों मिलके, सिंचन भी साथ में चलेगा, हम तीनों मिलके ना फटाफट से तुम्हारा घर ढूंढ लेंगे। ठीक है यार मैं जब तक सिंचन के साथ बात करती हूँ। अरे सिंचन वो फ्रैंकलिन तो मान गए हैं, वो ढूंढने जा रहे हैं, मतलब वो गाड़ी लेने जा रहे हैं ना, तो हम तीनों भी चलेंगे मेरे घर को ढूंढने। अरे कोई बात नहीं यार, जाओ फ्रैंकी भैया आप गाड़ी का इंतजाम करके आओ, जब तक मैं अपनी गाय से बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन तंग मत करियो काव को, ठीक है ना? काव को तंग करना गंदी बात होती है। अरे नहीं यार काव से पूछो, मैंने कभी उसको तंग नहीं किया है फ्रैंकी भैया। अरे हाँ सिंचन तो बहुत अच्छा बच्चा है, इसलिए तो हरदम हेल्प करता है सबकी। अरे ठीक है चलो यार मैं जा रहा हूँ फटाक से, और ना मैं फटाक से अपनी दोस्त की गाड़ी मांग के आता हूँ। अरे काव फ्रैंकी भैया तो गाड़ी लेने गए, तब तक हम लोग क्या करें? अरे मैं ये कह रही थी कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो सिंचन? अभी तो फिलहाल मैं स्कूल, अरे मेरा एडमिशन तो कराया था भैया ने मुझे, हाँ फर्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं बहुत दिन से स्कूल की छुट्टी कर रहा हूँ ना। ये गलत बात है ना सिंचन, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। तुम कभी स्कूल गई हो? अरे नहीं नहीं मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, मैं तो काव हूँ ना। अरे हाँ सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, फ्रैंकी भैया जब से आए नहीं पता नहीं कहाँ गए हैं। आते होंगे, इंतजार करते हैं हम उनका रोड पे ही। अरे आप भी आ जाओ, कहाँ गए आप, तुम मुझे दिख ही नहीं रहे। अरे तुम्हारे दो टांग है, मेरे चार टांग है, अब मैं चार टांग में इतनी तेज नहीं चल सकती सिंचन। तो चलो यार मैं तो फटाक से मैंने अपनी दोस्त की गाड़ी ले आया है, तो इस गाड़ी में ना हम सारे आ जाएंगे, और सिंचन में आ गया देखा, इस गाड़ी में हम तीनों चारों बैठ जाएंगे आराम से। अरे सही बोले फ्रैंकी भैया, कहा तू भी आज बैठ जाए। अरे ठीक है बैठ जाते हैं फटाफट। तो यार सिंचन ना इसको हम कहाँ जाएंगे? हाँ मुझे याद है, एक ना पहाड़ की तरफ ना एक गाँव का झुंड रहता है, मतलब एक ग्रुप रहता है, तो वहीं जाएंगे ठीक है ना। हाँ मेरे को यहाँ तक तो याद है कि वहाँ पे ना एक बड़ा सा तालाब आता है जहाँ पे बहुत सारा पानी है, और फिर वहीं पे ना हम उसके आसपास में घास खाते हैं। अरे वाह ऊपर जल्दी से बैठ जाओ। अरे बैठ रही हूँ सिंचन, अब इतनी बड़ी गाड़ी में मैं कभी बैठी नहीं हूँ, अब पहली बार बैठी हूँ। अरे चलो मैं बैठ गई सिंचन, फ्रैंकलिन आराम आराम से चलाना। अरे ठीक है यार। अरे ये क्या कर रही हूँ सिंचन, की फ्रैंकलिन मैं गिर जाऊंगी। अरे नहीं 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 आराम आराम से चलाऊंगा यार। चलो ठीक है सिंचन तू बैठ गया ना। अरे हाँ यार दिखते नहीं क्या फ्रैंकी भैया, यार इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, आज तो पूरा दिन हमें बहुत ढूंढना पड़ेगा। अरे नहीं सिंचन मेरे बताए ना कि वहाँ पे एक बड़ा सा तालाब है, फ्रैंकलिन को पता होगा यहाँ पे तालाब आसपास में कहाँ पे है। हाँ मुझे पता है यार, एक आसपास में तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वो उसके चारों तरफ ना जाल दे रखा है, क्योंकि वो तालाब इतना साफ है ना, वहाँ से पूरे शहर को पानी जाता है पीने के लिए, इसलिए ना पूरा उसको कवर कर रखा है तालाब को, इसलिए। अरे समझ गया फ्रैंकी भैया समझ गया, वो तालाब बहुत ज्यादा साफ रहता है ना, यही बोलना चाह रहे हो? अरे हाँ बस यही बोलना चाहता हूँ। अरे फ्रैंकलिन थोड़ा आराम से चलाओ, मैं पीछे से गिर सकती हूँ। अरे ठीक है थोड़ा आराम से चलाऊंगा। अरे यार इसको यार हमें ट्रक में ले जाना चाहिए था, अब क्या करे, ट्रक तो था ही नहीं ना, तो इसलिए इसको इसमें लाना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, ये देखो तालाब दिख गया मेरे को, फ्रैंकलिन तालाब दिख गया। हाँ मुझे पता है तालाब के आसपास में, मुझे पता है एक और झुंड रहता है यहाँ पे गायों का, मैं वो वहीं लेके जा रहा हूँ मैं आपको डायरेक्ट। अरे यार फ्रैंकी भैया ये तो हमारे घर के पास ही रहती है, इससे तुम जब मर्जी तब मिलने आ सकते हैं। हाँ सिंचन तुम मुझसे तो कभी भी मिलने आ सकते हो, तुम तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो। अरे थैंक यू इतना ज्यादा मत बोलो, मुझे शर्म आ रही है।
तो यार फ्रैंकलिन मेरे को अब मैं भूल गई हूँ अब इसके आगे का रास्ता। अरे कोई बात नहीं, टेंशन मतलब अब तुम्हारा घर अगर इसके आसपास है तो हम लोग ढूंढ लेंगे। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज हमने गाय की हेल्प की है, क्यों कहो? हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सिंचन यार, तुम लोगों ने मेरी इतनी हेल्प कर दी। अरे रुको रुको, यहाँ नहीं जाना आगे, ये रास्ता बंद है, पीछे चलो। फ्रैंकलिन मुझे याद आ रहा है, यहाँ पीछे कभी कदार हम यहाँ पे घास खाने आते थे हम सारी दोस्तें। अरे हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फ्रैंकी भैया आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसी रास्ते में ले रहा है क्या? अरे फ्रैंकी भैया यही रास्ता मुझे भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ और घास भी, और देखो तो रास्ते में कभी गाड़ी चली भी नहीं है ऐसा लग रहा है। हाँ सिंचन सही बोल रहे हो, तुम बहुत स्मार्ट बच्चे भी हो। अरे रुको सिंचन, मतलब फ्रैंकलिन को बोलो मेरे को यहाँ पे कोई दिख रहा है, मेरी दोस्ती दिख गई यहाँ। अरे यहाँ पे तो बहुत सारे गाय है। अरे गाय लो यार, रुक जा थोड़ा वेट करो यार, यहाँ पे थोड़ा चढ़ान है। ये लो यार आ गई। अरे यार चलो फटाफट उतर जाते हैं। अरे गाय, अरे यार बहुत मस्त जगह है, यहाँ पे तो बहुत सारी गाय है, देखो देखो तुम्हारे दोस्त को हम ले आए। अरे यार मैं थैंक यू सिंचन, तुम लोगों ने मेरे को मेरे दोस्तों से मिलवा दिया। अरे फटाफट यार नीचे आ जाओ यार, देखो यार तुम्हारा ही गैंग है ना ये, मतलब तुम्हारे ही दोस्त है ना सारे। अरे हाँ यार ये तो मेरे ही दोस्त है सारे। अरे यहाँ का मालिक कौन है? अरे यहाँ का मालिक कौन है? जल्दी से जाओ, देखो हमने तुम्हारी एक गाय लेके आई। यार तुम कहाँ थे, इसको क्यों छोड़ के आए थे? यार मैं कितनी खुश हूँ फ्रैंकलिन, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो शीला में आ गई, ये देखो मन्नी में आ गई, मैं इतनी खुश हूँ। अरे तू कहाँ है? अरे मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतनी खुश हो रही हूँ। अरे तू मुझे छोड़ के क्यों आया था? मैं जब वहाँ खो गई थी तूने मुझे ढूंढा क्यों नहीं है गवाले? अरे यार अरे मार क्यों रहे हो, मार क्यों रहे? अरे बाप रे बाप, ए मैं तेरे को निकाल दूंगा ग्रुप से। अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मैं नहीं निकलूंगी वैसे तो। अरे यार चलो ठीक है यार, तुम लोगों ने मैं तुम्हारी गाय को मिला दिया है, क्योंकि यार तुम खो गई थी ना, कोई बात नहीं। अब आप अपने गैंग के साथ रहना, अपने फ्रेंड के साथ रहना और कहीं इधर जाना। और भाई तू इसका ध्यान रखियो, मतलब सारी गायों का ध्यान रखियो यार। अरे ठीक है ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। सिंचन घर चले यार, अब तुम उसको बाय बोलते हैं अब फटाक से। अरे बाय का मैंने तो तेरा नाम लिखा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब मैं आऊंगा तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा डेली डेली, ठीक है? सिंचन आना, तुम बहुत अच्छे फ्रेंड हो यार तुम लोग। और फटाफट तुम जा रहे हो ना, आराम से जाना फ्रैंकलिन, और गाड़ी आराम से चलाना। अरे ये तो बहुत ज्यादा पास है तुम्हारा एरिया, क्योंकि मैं तो यहाँ से पैदल भी आता जाता हूँ, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। खाओ बाय। ठीक है सिंचन बाय। और ठीक है यार मैं अब यहीं पे रहूंगी इन लोग के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है यार फटाफट चलते हैं सिंचन यार, अब तो इतना थक गया हूँ यार। अरे सिंचन एक बात तो भूल ही गई भाई। अरे क्या? अबे यार अभी तक भूख लग रहा है, सुपर मार्केट गए कुछ सामान भी नहीं लाए। अरे ये बात तो भूल ही गई, मैं तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अरे यार हम गाय की हेल्प करने लग गए थे ना, इसी में हमें कुछ याद नहीं रहा, ये फटाफट जाना पड़ेगा, सुपर मार्केट बंद होने वाला है यार। अरे यार ये तो भूल ही गई। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, इतना तेज मत चलो फ्रेंड भैया। अरे फटाफट थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, फटाफट जाना पड़ेगा हमें, सुपर मार्केट बंद हो जाएगा यार। गाइस बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।